दोस्तों नमस्कार। रेलवे भोपाल, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, रेलवे भोपाल ट्रेड WCR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 एक बार फिर से इसकी ढेर सारी वैकेंसी एटलीस्ट निकल आई है। 570 पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि अप्लाई करने के टर्म्स कंडीशन क्या हैं। तो मैं इस थंबनेल को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, हमेशा की तरह अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाना है और क्रोम पर टाइप करना है, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं। गूगल पे जाके आपको टाइप करना है KINGCROF kingcroft.com और इंटर कर देना है। आपको ये वेबसाइट ओपन करना है। ये मेरी ब्लॉग वेबसाइट है। यहाँ पर जितने भी अपडेटेड जॉब्स हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ टाइम टू टाइम। अब यहाँ पर kingcroft.com पे आप जाएंगे तो यहाँ पर सबसे टॉप पे आपको दिखेगा रेलवे भोपाल ट्रेड WCR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020। ठीक है, बम्पर बम्पर रहते हैं, ये सारा सबके स्क्रीन के सामने होगा। इसके ऊपर सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा सीनेरियो ओपन होके आ जाएगा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रॉब्लम है ये किंगक्राफ्ट खोलना अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, या मैं नहीं समझ में आ रहा कैसे क्या करना है, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आते हैं मेरे पास, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट ये वाला लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस लिंक के ऊपर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इसके ऊपर डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। जो आप फॉर्म भर सकते हो 15 फरवरी से आप भर सकते हो। ठीक है, 15 फरवरी से इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप भर सकते हो। लास्ट डेट कब है, 15 मार्च, लमसम 1 महीने 1 दिन। ठीक है, फिर आइए देख लेते हैं इसके बाद क्या है। इसकी जो फी की लास्ट डेट है वो 13 मार्च तक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्म तो आप 15 मार्च तक भर सकते हो, लेकिन फी, इसकी जो फीस है वो 2 दिन पहले, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये 13 मार्च तक ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान देना। अब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन क्या है और एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन क्या है वो अभी नहीं पता है। इसका जैसे ही नोटिफिकेशन पता चलेगा मैं अपडेट कर दूंगा। तो इसका अपडेशन के लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर सकते हो। नहीं करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पर सारी अपडेट्स मैं दे दूंगा। बट आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कि एग्ज़ाम डेट कब है या फिर उसका जो एडमिट कार्ड अवेलेबल कब तक में हो जाएगा। तो जो भी क्वेरी आप करोगे तो वहाँ पर मैं 1-to-1 आपको कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं इसका एग्जामिनेशन फीस कितनी है। तो एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर कितना है, जनरल OBC वालों के लिए ₹100 रखा गया है और SC ST वालों के लिए ₹0 रखा गया है। ठीक है, इसका जो पैसा है वो कैसे आप दे सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। एज लिमिटेशन क्या है, मिनिमम आप 15 साल के होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल के। ठीक है, डेट क्या है, 3/2/2020 के अकॉर्डिंग। अब आइए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी इसकी क्या है। एलिजिबिलिटी, उम्मीदवार मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो 10+ होना चाहिए और 12 की मतलब जो एग्जामिनेशन है आप निकाल चुके हो, उसके 50% मार्क्स होने चाहिए संबंधित ट्रेड में। ठीक है, और ये आप सारी की सारी एलिजिबिलिटी आप यहाँ से पूरा लिख रखा है, मैंने आपको दे दिया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं, टोटल वैकेंसी 570 पोस्ट है जिसमें आपको फाइट करना है, जिसमें SC ST जनरल OBC सारे इंक्लूडेड हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट लिंक्स क्या है। इंपॉर्टेंट लिंक्स क्या है, फॉर्म भरने की डेट है अभी वो नहीं आई है, एक्टिव होगा तो वो 10/2/2020 यानी 10 तारीख को एक्टिव हो जाएगा, यानी कि 10 फरवरी को। ठीक है, आप इसको फॉर्म भर सकते हो, से स्टार्ट हो जाएगा एटलीस्ट। तो इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको तुरंत अवेलेबल करा दूंगा। देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप जाए, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको 1 by 1 पढ़ सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग डेट 15/2 से स्टार्ट है और लास्ट 15/3 है। ठीक है, पूरा हिंदी में दिया हुआ है क्या क्या पोस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर,
ठीक है, फायरमैन। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर ऑपरेटर की भी निकली हुई है। तो ये टोटल वैकेंसियाज हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर, ढेर सारी वैकेंसी है। मैं वन बाई वन नहीं पढ़ रहा, आप देख लीजिएगा। इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे भी आप रख सकते हो ऑफलाइन, ताकि नेट जब ना हो तो इच्छुक अभ्यर्थी इस पे जाकर, इस वेबसाइट पर जाकर होम पेज में अपनी सारी चीजें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसको स्क्रॉल करते जाइए तो आवेदन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो अप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो इस वेबसाइट पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की ये वेबसाइट दी रखी है। ठीक है, सब कुछ बहुत आसान है। आप मेरी वेबसाइट से कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इसकी वेबसाइट से। ठीक है, उसके जो फिजिकल होगा आपका, उसके आवेदन के लिए ये सारी चीजें आप पढ़ लेना कि आपकी हाइट कितनी होगी, ये सारा सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ। प्रमाण पत्र वगैरह क्या अटेस्ट होना है, नहीं होना है, वो सब कुछ आप यहाँ पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, अगर कुछ है तो मैं और भी दिखा दूंगा। यहाँ पर फॉर्म उन लोगों के लिए इंग्लिश में कर दिया गया है, कि कुछ लोगों की हिंदी थोड़ा कम आती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए ये इंग्लिश में भी दे रखा है। ठीक है, चॉइस इज योर्स कि आपको किससे पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये दो चीजें मैं अब क्लोज कर देता हूँ, जो इसका नोटिफिकेशन था। अब आइए देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दिया। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए और यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है रेलवे की, वेस्ट सेंट्रल रेलवे की। और यहाँ पर आप फॉर्म देख सकते हो, इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अबाउट पढ़ सकते हो, आरटीआई पढ़ सकते हो, न्यूज अपडेट्स पढ़ सकते हो, ट्रेंड्स पढ़ सकते हो, जो भी इसके अपडेट्स हैं वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। स्क्रॉल कर सकते हैं, नए नए अपडेट्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नए नए अपडेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, स्क्रॉल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर इसके बाद भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, कुछ भी चीज़ें क्वेरी करने में आपको बच जाती है, तो आप यहाँ पर देखिए info@kingcraft.com मैंने दे रखा है। आप यहाँ पर मेल करेंगे तो जो भी आप मेल करेंगे, जो भी आप क्वेरी करेंगे, जो भी प्रश्न आप पूछेंगे, तो मैं पूरा का पूरा आंसर करना चाहूंगा, उस पे मैं आंसर आपको कर भी दूंगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो मेरे फेसबुक पेज पर और मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, मेरे ट्विटर पर, मेरे टिकटॉक पर भी मैं आपको अवेलेबल हूँ। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो टेलीग्राम चैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम का ग्रुप है, ग्रुप पर आप मुझे क्वेरी कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको सारे अपडेट्स देता रहता हूँ, तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे बारे में अधिक पढ़ना है तो मैंने अपने बारे में यहाँ पर अपडेट कर रखा है, मैं कौन हूँ, मेरी क्या क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, नए अपडेट के साथ, किसी नई जॉब प्रोफाइल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।